राम राम बहनों, राम राम। अपन लोग आज फिर से बुंदेली शेफ की वजह से एक साथ हैं और एक बड़ी सी राम राम बुंदेली शेफ वालों को भी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम सब फिर से इकट्ठा हुए और अपन लोग कुछ कुछ बनाएंगे और सबको दिखाएंगे। तो चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। पहले तो इनने ये कह दिए थे कि कुछ भी बना लेना, बुंदेली में कुछ भी बना लो, कुछ भी बना के दिखा सकत। अब की बार तो इनने एक टास्क दे दिया अपन लोगों को, पपाया पपीतो। अब पपीतो भैया, उसके तो नाम से ही, चाहे बड़ों को देख लो चाहे बच्चन को देख लो, किसी को भी तो पसंद नहीं आता। ऐसा लगे जैसे कोई बीमार है, डॉक्टर ने बस लिख दियो कि पपीतो खाने हैं। लेकिन मैं आप सबको बताऊं कि पपीतो होत बड़ो गुणवान, उसके अंदर इतने गुण हैं, किसी भी फल फ्रूट में इतने गुण ना होत। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पपीतो में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, सी तो उसमें ना होत, नींबू डब में होत, ऑरेंज में होत, और उसमें पोटेशियम, उसमें फाइबर, क्या क्या नहीं हो, पेट के लाने, डाइजेस्ट करने के लाने, जरा भी कुछ भी हो जात तो सबसे पहले पपीतो, सबसे पहले पपीतो। लेकिन कोई खाना ही नहीं चाहता। लेकिन इस कोविड की बीमारी में जो चारों तरफ फैली पड़ी है ये बीमारी, इसमें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पपीतो सबसे बड़ो अच्छो फल है। तो हमें किसी भी रूप में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए, कैसो भी पपीतों को समान बना लो और उनको किसी भी रूप में खिलानो है। तो आज मैं आपको बिना गैस के लिए, कि गैस हम यूज़ नहीं करेंगे, फ्लेमलेस कुकिंग करेंगे और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बनाना बताऊंगी कि सब लोग उसको खाएंगे। ठीक है बहनों, चलो तो हम शुरू करत। तो आओ बहनों, आज हम बनाएंगे पपाया स्मूदी कॉम्बो विद पपाया शेक, पपाया आइसक्रीम, पपाया पुडिंग, चाहे पुडिंग कह लो चाहे खीर कह लो। तो इस सब के लिए अब तुम सोच रही होंगी कि बहुत सारा सामान चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़े से ही सामान से हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है एक गिलास दूध, जो सादा दूध हमारे घर में आता है। पपाया इसको मैंने अच्छे से धोकर, छीलकर और उसके बीज अलग कर दिए हैं और इसको फाग में काट लिया है। इसके साथ ही ये आम है, अंगूर, चेरी या मौसम के हिसाब से जो भी फल हमारे पास उपलब्ध हो जाए। इसके लाने हमें कुछ ड्राई फ्रूट भी चाहिए, तो मैंने बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता रख लिए हैं। ये पिसी हुई चीनी, ये मिल्क पाउडर, ये इलायची का पिसा हुआ पाउडर और ये थोड़ा चॉकलेट रख लिया है। इसके अलावा ये ओरियो बिस्किट, ये हर्षिस सिरप है, अगर आराम से मिल जाए तो ले लो और अगर नहीं मिले बाई चांस तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा मैंने फ्रेश क्रीम ली है यहाँ पर। फ्रेश क्रीम की जगह हम लोग मलाई को फेंट कर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बहनों, तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सबको ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कैसे शुरुआत करनी है। पहले मिक्सी के जार में ये पपीते के सारी फांके मैंने डाल दी हैं और इसको चन करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे, प्यूरी जैसा। सबसे पहले एक बाउल में हम कर पाउडर है ये हम 2 चम्मच डालेंगे और ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डालेंगे। अगर किसी को ज़्यादा मीठो पसंद है तो वो ज़्यादा चीनी डाल दे और जिसको कम पसंद है तो वो कम डाल दे। अगर हम शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो शुगर डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हल्का सा इसको हम फिर से एक बार चलाएंगे। अब इसमें जो हमने ये प्यूरी बनाई थी वो मिक्स कर देंगे। अब हम इसको लगातार कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। चकोर पीस में काट रखे हैं जो देखने में थोड़े अच्छे लगेंगे।
तो ये सबसे पहले मैंने इसमें आम के ये कटे हुए पीस डाले। इसको धीरे धीरे हम इसके अंदर आम के ऊपर एक लेयर लगाएंगे इसकी। हमने अब इसमें आम के पीसेस को डाल दिया। अब एक बार फिर से ये ऊपर तक हमने इसको फिल कर लिया। अब मैंने एक चेरी रखी हुई है, इसके बीच में मैंने ये चेरी लगा दी। चारों तरफ ग्रेप्स, इसको बीच में से काट के रखा हुआ है, तो ये चारों तरफ हमने। अब हम बनाएंगे चॉकलेट स्मूदी। पेस्ट देखो हमारा वही है जो मैंने तैयार किया था। इसी पेस्ट से हम दूसरी चीज़ बनाने वाले हैं। हमने सबसे पहले ये हर्शीज सिरप लिया है और यही वाला पेस्ट इसके अंदर डालेंगे और पूरा इसको तक भर लेंगे। ये ओरियो बिस्किट लगा दिया। अब हम लेंगे एक इस तरीके का बाउल और यही वाला पेस्ट हम इस बाउल में इस तरीके से डालें। ये हम बना रहे हैं पुडिंग। पुडिंग बनाने के लिए फिर वही है कि अगर हम फ्रूट चाहें तो हम इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और अगर हम ड्राई फ्रूट चाहें तो हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश लिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे अभी अंदर। अब बहनों, हम बनाने वाले हैं बच्चन के लाने उनका सबसे फेवरेट आइटम, आइसक्रीम। हमारा बिल्कुल फ्रीजर में रखने के लिए रेडी है। इसके ऊपर हम इसकी लिड लगा देंगे और इसको फ्रीजर में रख देंगे। हम बनाने वाले हैं पपाया शेक। ये जो हमारे बॉल में पपाया का पेस्ट चिपका हुआ था और हमने शुरू में दूध लिया था, तो इस दूध को इस तरीके से करके मिक्स करेंगे। थोड़ी आइस डाल देंगे। अब ये शेक अब इसमें फिर से भी हम आइस डालेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया पपाया शेक। बच्चों को तो हमें तरह तरह से लुभाना पड़ता है। मेरे पास ये स्ट्रॉ है और इसमें ये अम्ब्रेला लगा हुआ है, तो हम उनको इस तरीके से इसमें ये अम्ब्रेला वाली स्ट्रॉ लगा कर देंगे। तो देखा बहनों आपने कि सीधो सादो सो पपीतो, जो इतना सिंपल सा लगे कि उससे क्या बन सकत और किसी को टेस्ट में अच्छा भी नहीं लगा, तो उससे मैंने कितनी सारी चीज़ें बना दी और सारी चीज़ें गर्मियों के लाने ही बनाई हैं। तो राम राम बहनों, फिर मिलेंगे। जय राम जी की।